लेडीज हैंडबैग को फेसबुक एड्स की मदद से ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं कि ऑडियंस कैसे चूज की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। पिछले तमाम वीडियोस में मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑडियंस को कैसे चूज किया जाता है और आप प्रैक्टिकली एक एड को कैसे रन करके उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर की हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप लोगों ने चैनल के ऊपर जाना है और आप वीडियो देख लीजिएगा मेन वीडियो सेक्शन में कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है और उस हवाले से वहाँ पर आपको ऑडियंस मिलेगी और गाइडलाइन भी मिलेगी जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी और आप आसानी से खुद से ऐड रन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के आखिर में अगर ये वीडियो आपको हेल्प दे सकती है तो लाइक करते जाना, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये लेडीज़ हैंडबैग को आप ऑनलाइन किन लोगों को टारगेट करके आप बेच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिपीट करना चाहूँगा और ये हर एड में उसका प्री रिक्विजिट है, ठीक है। अब वो ये है कि सबसे पहले आपने उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को टारगेट करना है, उनके रेजिडेंट्स को टारगेट करना है जहाँ पर नॉर्मली ऑनलाइन परचेजिंग का बिहेवियर देखने को मिलता है या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एज लेवल को आपने फिक्स करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है हैंडबैग है इस एज लेवल के लोगों को वो सूट करती है। उसके बाद ये तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर आप लेडीज़ को टारगेट करेंगे, वुमन, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, अब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर तीनों को टारगेट करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, तीन एडसेट बना लें, तीनों में अलग अलग टारगेटिंग कर लें, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसको आप जारी रखें। इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि आपने कितने एडसेट, कितने एड्स रखने हैं और उसमें किन किन चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपका फैशन एसेसरीज, क्योंकि हैंडबैग इसी का ही हिस्सा है, हैंडबैग्स, वुमन फैशन, ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, डिज़ाइनर हैंडबैग ऑनलाइन, प्रीमियम हैंडबैग, फैशन ब्रांड्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वुमेन्स एसेसरीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब ये जो हैंडबैग्स हैं ये हर लेवल के फीमेल्स उसको कैरी करती हैं, ठीक है। अब आप स्कूल गोइंग जो गर्ल्स हैं वो भी करती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो भी करते हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं वो भी करते हैं, सीईओज, एग्जीक्यूटिव, ऑनर्स, फाउंडर्स, ये सारे करते हैं, ठीक है। तो आपने फिर से वही बात है जहाँ पर मैंने आपको पहले वो बेल्ट्स और जैकेट्स के हवाले से ऑडियंस को टारगेट करना समझाया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर कॉलेज ग्रेड एंड यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, प्रोफेशनल्स एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स, ठीक है। अब इनको आपने टारगेट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉलेज ग्रेड और यूनिवर्सिटी गोइंग ग्रेड में आप लोग सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से देखेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ से देता हूँ, ठीक है। ये देखें, कॉलेज ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल्स विद हायर डिग्री, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयज़ में जब आप जाते हैं ना तो मिड टू हाई इनकम ब्रैकेट, ऑफिस वर्कर्स, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स, HR प्रोफेशनल्स, ये लोग हमेशा बैग्स को कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप टारगेट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोफेशनल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, लिंक्डइन से। लिंक्डइन में सारे ग्रेजुएट्स हैं, सारे एजुकेशनिस्ट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनलिस्ट हैं, ठीक है, ऑनर्स, सीईओज और सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर फीमेल्स को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लाइफस्टाइल में जाएं तो जो हेल्थ एंड फिटनेस ये कम होंगे लेकिन फिर टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर ऑफिस हैंगआउट्स, ठीक है, इनको आप टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर जो मेंशन करना मैं भूल गया, वो बिहेवियर में आता है, वो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, फिर बिहेवियर में ही एंगेज शॉपर्स। अब इनको आप टारगेट करेंगे तो यकीनन आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा। अब आते हैं जी, आपको कितने एडसेट बनाने चाहिए और कितने एड्स बनने चाहिए। सबसे पहले तो आपने तीन एडसेट बनाने हैं। अब एडसेट के अंदर आपने या तो आप एक के अंदर इंटरेस्ट को टारगेट कर दें, एक के अंदर बिहेवियर, एक के अंदर जो है वो डेमोग्राफी को टारगेट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको रेकमेंड करूंगा वो ये है कि एक एडसेट के अंदर इंटरेस्ट को टारगेट करके वहां पर बिहेवियर को भी साथ टारगेट कर दें, एक एडसेट को आप एडवांटेज प्लस पे रखें, ठीक है, और एक में क्या करें कि पिछले इंटरेस्ट के जो बाकी चीज़ें जो बची थी, इंटरेस्ट और बिहेवियर और डेमोग्राफिक के, उनको यहाँ पर आप टेस्ट करें। तो तीन एडसेट के अंदर आपने तीन तीन एड्स बनाने हैं और तीन तीन जो एड्स आप बनाएंगे, मतलब कि तीन एडसेट के अंदर जब तीन तीन एड्स बनाएंगे तो नौ एड्स बनाएंगे। इन नौ एड्स के ऊपर इतने अच्छे क्रिएटिव्स होने चाहिए
कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग और परसुएसिव होने चाहिए। एड कॉपी आप अच्छा यूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह जब आप इस प्रोडक्ट को आप टारगेट करेंगे मार्केट में, तो यकीनन एक अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा, ठीक है। मैं इनके ऊपर लोगों की कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, उनकी सेल सही तरह नहीं आ रही, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑडियंस कैसे चूज की जाती है, या फिर फेसबुक एड्स को प्रॉपरली प्रोफेशनली कैसे रन किया जाता है, ताकि आप लोग सीख कर खुद से ऐड रन करें अपने बिजनेस के लिए, तो मेरे चैनल के ऊपर जाइए। वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई मसला होता है आप मुझे कमेंट में ही मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल के ऊपर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।